एक है राजनीतिक इतिहास और दूसरा है धार्मिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास का अर्थ हुआ कि वहाँ जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसी थी, किस वंश का शासन था, प्रजा को किसमें कितनी सहूलियत थी, कौन सा राजा बढ़िया था, ये सब जानकारियाँ हमारी राजनीतिक इतिहास के माध्यम से हमें मिलती हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, उसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके नाती अशोक के बारे में। थोड़ी सी हमें जानकारी इतिहास के बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रही है, उसको हम राजनीतिक इतिहास कह सकते हैं। कौन सा वंश आया, कौन सा वंश गया, किसने कैसा किया, इससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है। जो मेरी अपनी समझ है, मैं सोचता हूँ कि हमें पता होना चाहिए धार्मिक इतिहास। राजवंश आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जो धार्मिक इतिहास है, इसकी चर्चा हम लोग करने का प्रयास करें। धार्मिक इतिहास का अर्थ ये हुआ कि उस समय के जो लोग थे, उनके बीच में धर्म की क्या समझ थी, कर्मकांड कैसे थे, पुस्तकें कौन सी थीं, आदमी का क्या महत्व था। और हम देखेंगे कि जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं कबीर साहब के साथ, वही सब चर्चाएं वहाँ भी मिलती हैं। तो जो राजनीतिक इतिहास है, उस पर थोड़े से कुछ प्रश्न जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में लिख लें कुछ प्रश्न, और इनको करेंगे आप। सिकंदर के समय तक का प्रश्न कर लिया था हमने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, वह किस जाति का था, वह किस जाति का था। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त के प्रमुख सहायक कौन थे, तीसरा प्रश्न, चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। अगला प्रश्न, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया, अशोक, सम्राट बनने से पूर्व,
कहाँ पर कहाँ का शासक था? वो शासक नहीं था, वो गवर्नर था। हाँ लिख लें गवर्नर। अशोक ने, अगला प्रश्न, अशोक ने कौन सी उपाधि अपने लिए चुनी थी? अशोक ने अपने लिए कौन सी उपाधि चुनी थी? अगला प्रश्न, उड़ीसा का पुराना नाम बताएं। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध को अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? कलिंग युद्ध को अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम जो भिक्षु एवं भिक्षुणी भिक्षुणी बने, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के बारे में किन दो ग्रंथों में जानकारी मिलती है? अगला प्रश्न, अशोक पहले के सम्राटों से किस प्रकार भिन्न था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म में दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म में दीक्षा ली थी? 13, कितने प्रश्न हुए? 13, जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, वो बूढ़ा हो गया था, तो एक खास उत्सव का दिन था। उसके सेनापति ने कहा, महाराज आप चल करके थोड़ा सेना का अभिवादन स्वीकार कर लें। तो दोनों तरफ सेना और बीच में महाराज बृहद्रथ और उनके साथ में
उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग पीछे पीछे, और सामने प्रजा वो बूढ़ा महाराजा जब चलते चलते बीच में पहुंचा, आगे भी सेना पीछे भी सेना, तो उसके सेनापति ने तलवार निकाल करके सार्वजनिक जगह पर वहीं पर उसका गला काट दिया। और चूंकि वह सेनापति था और सेना को उसने पहले से ही अपने कार्यक्रम के बारे में बता रखा था, किसी ने कोई हलचल नहीं की और प्रजा को तुरंत जानकारी हो गई कि राजा मारा गया और मारने का काम उनके सेनापति ने किया। सेना ने उसको संरक्षण दिया और उसको बादशाह राजा बना दिया गया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, 89 की बात है, तो दिल्ली में उसको बोलते हैं फ्लैग मार्च, सेना का फ्लैग मार्च। दोनों तरफ सेना रहती है, बीच में कालीन बिछा दिया जाता है और उसी कालीन पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चलते हैं। सेना के लोग दोनों तरफ अस्त्र शस्त्र लिए होते हैं और जिसके सामने से गुजरता है वो उनको सलाम करता है। तो देखते ऐसे चले जाते हैं ऐसे ऐसे। तो जा रहे थे और इतने में एक सैनिक ने राइफल निकाला और एकदम शूट कर दिया उनको। अब वो संयोग ऐसा कि वो एक कदम आगे बढ़ गया, ऐसे यहाँ बगल से उनके गोली निकल गई। इतने तुरंत उसको पकड़ लिया गया, पता नहीं उसे फांसी हुई कि नहीं हुई। लेकिन वो सैनिक, उसने कहा कि मैं इनका कुछ नीतियों से विरोध करता हूँ, इसीलिए उसने मारने को सोचा था, मार नहीं पाया। लेकिन ये बड़ी खतरनाक जगह होती है और ये पहले और अभी किसी भी समय ऐसा हो सकता है। इंदिरा गांधी सुबह 10 बजे निकली और उनके अंगरक्षक दो सरदार उनके सामने ऐसे ही खड़े थे, एक दाएं और एक बाएं। और जब वो बगल से गुजरी तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और बस जैसे ही वो बगल से निकलने लगी, एक ने दाएं से फायरिंग किया और एक ने बाएं से फायरिंग किया और छलनी कर दिया वहीं पर। तो ये राजा अपने अंगरक्षकों द्वारा पहले भी मारे जाते रहे हैं और ये अभी भी होता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता रहा। खुलेआम जनता के सामने मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा ऐसे मारा गया था। उसके बाद सेनापति मुखिया बना और उसने वो सारी नीतियां बदल दी। बुद्धिज्म का बढ़ावा बंद, वो ब्राह्मण था, ब्राह्मणिज्म को उसने बढ़ावा दिया, कर्मकांड को बढ़ावा दिया, यज्ञों को बढ़ावा दिया, हिंसा को बढ़ावा दिया। एक नए तरीके की राजनीति इस देश में शुरू हो गई थी। जब कोई राजा आता है तो सिर्फ एक राजा नहीं होता है, उसके साथ पूरा एक सिस्टम होता है। तो इस पर थोड़ी चर्चा हो चुकी थी। इन प्रश्नों को, बहुत सरल सरल प्रश्न हैं, आप सो कर लेंगे साहब। पुराण कुणाल, हाँ, अशोक का बेटा कुणाल था। नहीं नहीं नहीं, लगभग 100 वर्ष चला है। 191 ईसा पूर्व में खत्म हुआ है मौर्य साम्राज्य। तो अशोक के मरने के बाद चलता रहा है ये, लेकिन जो अंतिम बादशाह था वो बृहद्रथ था और वो 4-5 पीढ़ियों बाद जाता है। थोड़े थोड़े समय तक रहे और व्यवस्था एकदम
साधारण हो चुकी थी, इसलिए जनता भी ऊब गई थी। जनता जब किसी चीज से ऊबती है तो जनता मौन हो जाती है। फिर हाँ, वो मैंने, हाँ, जो राजतंत्र होता है, दो चीजें साहब ने पूछा। वो राज्य घट गया था साहब जी, अशोक का जो साम्राज्य था वो तो बहुत दूर तक था, वो काफी कुछ घट गया था और उसको फिर से हासिल किया उनके सेनापति ने, इसलिए लोग उनके साथ चले गए थे क्योंकि स्थिति भी बिगड़ रही थी। इसलिए कई जगह विद्रोह हो चुके थे, दक्षिण में काफ़ी उनका मान घट गया था, बंगाल की तरफ भी, कामरूप में उनका शासन वैसे भी नहीं था, तो साम्राज्य भी घट गया था उनका। और वो कहते हैं कि अशोक, ये इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म को स्वीकारा तो इससे सेना इतनी बड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सेना थी 6 लाख की सेना थी, उसके पास 6 लाख लोग थे, करीब 50 तो उनके पास घुड़सवार थे, 50,000 हाथी थे, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन अशोक के समय में इतनी बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि युद्ध ही नहीं होते थे, तो धीरे धीरे सेना भी घटी थी और धीरे धीरे उनकी सीमा भी घटी थी। इसीलिए जब बृहद्रथ मारे गए तो जनता ने उसको स्वीकार कर लिया था। हाँ, उतना ही था उनका साम्राज्य जो है। वो पहला शासक था जिसने तलवार के जोर से शासन नहीं किया और 40 वर्षों तक शासन किया, और जहाँ उनका था वो बहुत बड़े हिस्से पर था, वो उनका मेंटेन था। और अशोक के जाने के बाद और जब अंतिम बादशाह हुआ उसके बीच में पतन हो चुका था, उसकी सीमा घट गई थी, सेना भी। तो ये लगभग 100 वर्षों में जो मगध साम्राज्य इतना दूर तक था वो बहुत घट गया था। वो तो गुप्त वंश में आएंगे, वो ये मौर्य है साहब जी, ये मौर्य वंश है, वो भी वो ईस्वी के बाद आएगा, उनके और इनके आने में भी बहुत वक्त है। विद्यार्थी लोग जब किताब खोलते हैं तो यहीं खोलते हैं। उन्होंने 2 उपाधियां चुनी थी अपने लिए, इधर देखें देवा नाम प्रिय, जो देवताओं को प्रिय हो, देवता माने सज्जन, और दूसरी उनकी उपाधि थी दर्शन। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने नाम के साथ इसका प्रयोग किया है, अशोक प्रियदर्शन, ये नाम उन्होंने इस्तेमाल खुद ही चुना है। इसलिए मैंने कहा कि ये 2 उपाधियां, 2 हो, 1 हो, जो भी याद हो आपको, क्या देवा नाम प्रिय, प्रिय दर्शन, दर्शन संस्कृत का शब्द है।
देखें इसको अब खत्म करें। अब जो बात है धार्मिक इतिहास, अब थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने कहा कि वसीम बरेलवी का एक शेर है, बुझ गए चांद हवेली के, जल रहा है चिराग मुफलिस का। मुफलिस, मुफलिस माने गरीब। बुझ गए चांद हवेली के, जो हवेली का जो चांद है वो तो बुझ गया, जल रहा है चिराग मुफलिस का। चिराग मिट्टी का दिया, गरीब की झोपड़ी का जो मिट्टी का दिया है वो जल रहा है, और जिसको लोगों ने चांद समझा था वो बुझ गया। ये जो राज परिवार थे सब मिट गए। इस समय तो राजाओं की ये दशा है कि उनके महल बने हुए हैं और महलों को मेंटेन करने की उनकी औकात नहीं है, तो महल छोड़ करके 4 कमरे 2 कमरे 6 कमरे के मकान ले लेते हैं और वहीं रह जाते हैं। 2 बीघे में हवेली फैली है, बगीचे हैं, गाड़ियां हैं, ऊंची चौड़ी हवेली, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, पुताई नहीं हो पाती है, रंगाई नहीं हो पाती है, तो छोड़ देते हैं उसको वैसे ही। सरकार से बोलते हैं इसको आप ले लीजिए, आप ले लो, इसको मेंटेन करवा दो, इसको होटल बना दो, और जो खर्चा इसमें आता है वो आप काट करके हमको थोड़ा सा पैसा दे दिया कीजिए, आखिर संपत्ति तो हमारी है ना। तो राजाओं की तो ये हालत हो गई है सभी जगह। बिहार वगैरह में छोटे छोटे शासक हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जिनकी सीमा है, राय साहब, लाल साहब, तरीका साहब अभी पुराना है लेकिन आए नहीं है। तो ये राजाओं का चक्कर तो खत्म। मैं जिस चीज पर कहने का प्रयास कर रहा हूं वो है धार्मिक इतिहास। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि मैं लगभग 20 सालों के बाद ये पढ़ रहा हूं, तो मैं खुद भी इसको समझ रहा हूं किसको और कैसे बेहतर करना है। पहली चीज है इसमें जो मैंने कहा था कि कुछ लोगों के बारे में हमको जानकारी करना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, ठीक है ना, ये बाहरी आदमी हैं, लेकिन फिर भी ये ज्ञानी लोग हैं, ये विचारक लोग हैं, इनका ज्ञान आज भी महत्वपूर्ण है। इस आदमी को समझ लें, इसको समझ लें, और इसको, और 1-2 नाम और हैं, तो हमको इसमें बुद्ध के भी वचन मिल जाएंगे और महावीर के भी वचन मिल जाएंगे। यद्यपि ये भारतीय नहीं है लेकिन इनको 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 पढ़ना चाहिए। ये मुझको समझ में आ रही कि इनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, नाम नोट कर लें आप। धार्मिक इतिहास, धार्मिक इतिहास
पहले नंबर पर डालेंगे यूनानी विचारक, ठीक है, यूनानी विचारक। इसमें सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, हेराक्लिटस, बहुत महत्वपूर्ण है इसका नाम हेराक्लिटस, ये नाम भी नोट करें। सोफिस्ट, एक और है ये नाम प्रोटागोरस, धार्मिक इतिहास में पहले यूनानी विचारक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हेराक्लिटस, सोफिस्ट, प्रोटागोरस, इन लोगों को पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे भारतीय चिंतक, तो भारतीय चिंतक में क्या क्या आएंगे, वैदिक, वैदिक ऋषि, दूसरे नंबर पर महावीर, तीसरे नंबर पर बुद्ध। इनको पढ़ने के, यही हमारे पुरखे हैं, हमें राजाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुस्तकों में चूंकि इस ढंग से पढ़ाया जाता है इसलिए उसको कह दिया गया थोड़ा, लेकिन जो हमारे लिए खास काम की चीजें हैं वो हैं ये लोग, जिनसे हमें ज्ञान की धरोहर मिली है, उन लोगों के बारे में। और तथागत बुद्ध के बारे में गुरुदेव ने लिखा है संसार के महापुरुष में, बुद्ध क्या कहते हैं उनकी पुस्तक ही है, महावीर, महावीर के जीवन के बारे में भी संसार के महापुरुष में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही थे, ये 72 साल की उम्र में शरीर छोड़े, ये 80 साल की उम्र में शरीर छोड़े, बुद्ध का शरीर छूटा, उसके 10 बरस बाद लगभग महावीर का शरीर छूटा। बड़े नहीं थे महावीर, बुद्ध का जब शरीर छूटा है तो महावीर को सूचना गई है, हाँ कुछ ऐसा याद आता है, बुद्ध, अच्छा महावीर मरे हैं तो बुद्ध को सूचना गई है कि निगंठ नाथ पुत्र का शरीर छूट गया, निगंठ ये महावीर के लिए आता है। परंपराएं हैं दोनों तरह से, बातें हैं, मैं इसको पढ़ रहा था
कुछ शास्त्रों में इनके लिए लिखा है, कुछ शास्त्रों में इनके लिए लिखा है। लेकिन महावीर की पूरी परंपरा बड़ी है, ये पुरानी परंपरा के हैं, ये 24वें तीर्थंकर हैं, और बुद्ध ने तो एक नया आंदोलन शुरू किया था, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे क्रमशः। वैदिक ऋषि, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो आर्यों के जो ग्रंथ हैं उसमें ऋग्वेद है, उपनिषद हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बने, विकसित हुए, इनमें फिर कमियां आईं, फिर ये लुप्त हुए, ख़त्म हुए। जब ख़त्म हुए तो उसी धरती पर ये लोग उगे। तो पूरा एक आंदोलन जैसे चलता है, इन पर चर्चा करेंगे। और इनके पहले वो जो यूनानी लोगों का नाम लिखवाया है उनकी चर्चा करेंगे। कई चीज़ें हैं। कल शुरुआत करेंगे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से। इन तीनों पर मेरा बहुत अध्ययन नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें हमें काम की लगेंगी, महत्वपूर्ण लगेंगी, उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर भारतीय चिंतकों पर आएंगे। आज जो थोड़े से प्रश्न लिखवाए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनकी चर्चा कर सकते हैं, जो 13-14 प्रश्न हैं, और उनको कल लिख करके ले आएंगे। पहला प्रश्न क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और किस जाति का था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और किस जाति का था? रामेश्वर साहब, और किस जाति का था? शैव जाति। किस जाति का था? जाति कितनी होती हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति पूछने का यहाँ यही तात्पर्य है कि एक शूद्र जिसे कहा गया, वो एक राजवंश का संस्थापक बना, इसलिए पूछा गया। वो एक ही बात है, मूरा नाम की दासी, कुछ लोग कहते हैं, भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न ढंग से लिखा हुआ है उनके बारे में। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त के प्रमुख सहायक कौन थे? गणेश। चाणक्य के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मुकेश, अर्थशास्त्रम। हाँ, वो चाणक्य के कई नाम मिलते। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं, चीज़ों को मैं बहुत उलझाना नहीं चाहता हूं। ये चीज़ें इतनी सरल नहीं हैं जितनी सरल बता दी जा रही हैं। जो अर्थशास्त्र है उसको बनने में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तक अर्थशास्त्र में चीज़ें जोड़ी जाती रही हैं। जो उसके जानकार हैं वो कहते हैं अर्थशास्त्रम को बनने में 500 साल लगे हैं, वो एक आदमी की रचना नहीं है। जो जानकार हैं उसको इस ढंग से बताते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि हर चीज़ उलझ जाएगी।
नए नए विद्यार्थियों को अगर आप बता दें किसी को कोई किसी ने नहीं लिखा है, ये धीरे धीरे बना है, तो याद कैसे करेगा वो। तो बीज रूप में थोड़े में इसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। अब कौटिल्य कौन कौटिल्य है, चाणक्य कौन चाणक्य है, विष्णुगुप्त कौन विष्णुगुप्त है, ये तीनों नाम एक ही आदमी के बताए जाते हैं। तो जो पुस्तक हमें एक आदमी की लगती है वो बहुत बाद तक बनती रही है, थोड़े में रही, फिर अर्थशास्त्र बहुत मोटा है, उसकी भाषा भी ऐसी है कि वो एक बार की भाषा नहीं लगती है। जो इतिहासकार हैं वो जानते हैं इसको बिल्कुल। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, सोमेन साहब? हाँ, कहाँ पढ़ाते थे? प्रयाग। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य पढ़ा, वहीं पढ़े थे पहले। बिहार का आदमी अभी ही नहीं घूम रहा, बहुत पहले से घूमता है। वो पहले यहाँ पढ़ते थे, फिर यहीं पर प्राध्यापक हुए। तो आप पूछोगे कि यहाँ पाटलिपुत्र है मगध, यहाँ मगध से बनारस आया, बनारस से इलाहाबाद आया, फिर कानपुर आया, फिर दिल्ली आया, फिर अमृतसर गया, फिर पेशावर गया, फिर जाकर के पेशावर पार के तब तक्षशिला में पहुंचा। ये रास्ता है, ये जो मैंने रास्ता बताया ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का रास्ता है। पहली बार ये रास्ता बना था पाटलिपुत्र से लेकर के तक्षशिला तक का 1500 कोस। अब एक कोस कितना होता है मैं नहीं जानता हूं, 1500 कोस की दूरी दी हुई है। ये व्यापारिक मार्ग था, इसी व्यापारिक मार्ग से व्यापारी लोग जाते थे। ये पटना से शुरू होता था, पटना से बनारस, बनारस से प्रयागराज, प्रयागराज से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से आगे होते हुए पेशावर पार करके, और यहाँ से फिर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती थी जो चीन की तरफ से आती थी। यहाँ था तक्षशिला, मतलब बनाया गया पहाड़ नहीं था। ये जो गंगा का मैदान है इसमें पहाड़ नहीं है, इसीलिए लोगों ने पहाड़ छोड़ करके ऐसी जगह जिसको द्वाबा क्षेत्र कहा जाता है यहाँ रहना स्वीकार किया था। ये प्लेन है, इसको प्लेन कहते हैं, समतल भूमि। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम ये जाता है। लेकिन पहले चला गया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ चीजें तो पहले रहती ही है ना। एक पगडंडी तो रही ही होगी आने जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। फिर धीरे धीरे इसी को मोटा करके 2 लेन किया गया, फिर 4 लेन किया गया, जैसे अब चलता है, हमेशा इसी तरीके से विकास होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि एक बिहार का एक आदमी तक्षशिला पहुंच गया पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ये कोई पहली बार नहीं था कि यहाँ का आदमी वहां जा रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है। तक्षशिला में विश्वविद्यालय खत्म है, अब वो अफगानिस्तान में है, वहां बस अब मुल्लों की लड़ाई होती है और कुछ नहीं। जो जगह कभी बौद्धों के लिए सबसे बड़ी जगह हुआ करती थी, वहाँ अफगानिस्तान में यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, उन पहाड़ों में बुद्ध की, पहाड़ को काट करके बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है।
जो बहुत दूर से दिखती है, बामियान एक जगह है, बामियान में पहाड़ को काट करके बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, शायद 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से दिखती हैं ऐसा पहाड़। और अभी वहाँ वो जो बुद्ध की मूर्ति बनी उसका चेहरे को बम से उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम में पूजा नहीं होती है बुद्ध की, अब वहाँ मुसलमान चल रहे हैं। वो सब नष्ट हो चुका है लेकिन कभी था। उनके बाद जब अशोक का जमाना आया तो यहाँ फिर बढ़ी, शिक्षा बढ़ी है, तब जाकर के वो पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब विश्वविद्यालय तब चमके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया? रमेश साहब किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर। अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म में दीक्षा ली थी? कौन कहे जैन धर्म? शुभेंद्र, उनके गुरु कौन थे? बाहुबली। बाहुबली नाम था, क्या नाम था? भद्रबाहु। सब फिल्म देख करके बाहुबली बोलने लगे। अशोक सम्राट बनने से पूर्व कहां के गवर्नर थे? मुनिन साहब, कश्मीर के गवर्नर। अशोक ने कौन सी उपाधि अपने लिए चुनी थी? रामेश्वर साहब ले पढ़ करके बोलेंगे। फिर से बोलें ऊपर देख करके। हाँ, प्रियदर्शन। उड़ीसा का पुराना नाम बताएं। धीरेन साहब, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। कलिंग युद्ध को अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? उपेंद्र साहब, कलिंग युद्ध को अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना गया बताएं। बीच में नहीं, जब युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हुए, मारे गए, जिससे उनका विचार बदल गया और वो बहुत धर्म में नाम दीक्षा लिए। जनधन की कितनी हानि हुई, कितने लोग मारे गए? 1 लाख मारे गए थे, घायल हुए थे, और 1 लाख। हाँ, 1 लाख 1.5 लाख के बीच में। ये जो घटना है ये बौद्ध ग्रंथों में है, इस तरीके से लिखा गया कि इतने लोग मारे गए। राजा की सेना कितनी शुरुआत में थी और अंत में सेना कितनी बचती है, तो इसका मतलब है कि जो सेना थी वो युद्ध में काम आई। अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम जो भिक्षु एवं भिक्षुणी बने, चूड़ामणि साहब जी, महेंद्र, उसके पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम सुभद्रा। दीपेंद्र साहब, आपका चांस गया। अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम, कुछ लोग कहते हैं उनके भाई हैं महेंद्र और फिर पुत्री संघमित्रा। मौर्य साम्राज्य के बारे में किन दो ग्रंथों में जानकारी मिलती है? करमचंद साहब, किन दो ग्रंथों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है?
चल गया ठीक है। अशोक पहले के सम्राटों से किस प्रकार भिन्न था? सुपास साहब, अशोक पहले के सम्राटों से किस प्रकार भिन्न था? वीरेन साहब जी, अशोक पहले के सम्राटों से किस प्रकार भिन्न था? ये प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखते थे, इसकी प्रजा हर प्रकार से सुखी रहे, इस पर विशेष इनका ध्यान। प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने ध्यान दिया था। उन्होंने कहा, जैसे मेरे पुत्र और पुत्री इस लोक और उस लोक में सुखी रहें, वैसे ही मेरी प्रजा सुखी रहे। और उन्होंने वो जो युद्ध का नशा होता है, हबिश होती है, उसको छोड़ा था और फिर जो जनता के लिए काम करना था वो किया। सड़क, प्रशासनिक व्यवस्था और जो भी उनके लिए चाहिए वो सब उन्होंने किया था। और चूंकि उन्होंने युद्ध नहीं किया तो उनकी धन जन की हानि नहीं हुई, तो प्रजा भी खुश थी। इस मामले में वो अन्य राजाओं से अलग थे। हाँ जी ठीक है, कल आगे कुछ इसको करेंगे। कुछ लोग और जो कॉपी लाए हों देना चाहें।